हेलो गाइस, सो आज की जो लेसन है गाने का नाम लैला में। लैला मुझे रिक्वेस्ट आया था बहुत बार कि जो मैं ही गाने किया इसका शॉर्ट्स वर्जन पे उसका फिंगर स्टाइल का लेसन देने के लिए। सो बहुत ही इसमें नोट और इसमें बेस लाइन ऐड करने कुछ इस तरीके से। इसमें पहले क्या करना है, पहले आपको नोट बोलने आना, थर्ड स्ट्रिंग का पहले आपको करना है टू, सेकंड स्ट्रिंग का वन थ्री कर देना है करके, अब फिर ये वाला नोट अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट नोट। सो इस पे आपको थोड़ा हार्ट बीट भी करना है, तो हार्ट बीट पैटर्न आपको इस टाइम में लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले आपको नोट पे फोकस कीजिएगा। इसमें क्या करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन रखी, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रखी, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके हैमर ऑन कर देना है फर्स्ट फ्रेट पे, साथ में पिक करके फाइव और वन, सेकंड स्ट्रिंग का थ्री कर देना है, फिर सिक्स पिक ओपन करना है और फर्स्ट स्ट्रिंग फिर से ओपन करके हैमर ऑन करना है फर्स्ट फ्रेट पे, इस तरीके से साथ में पिक करके सिक्स और वन और सेकंड स्ट्रिंग का थ्री करना है। सो बस ए और ई को रिपीट करना है आपको चार बार इस तरीके से, वन टू थ्री फोर करके। अब लास्ट पे आपको क्या करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन कर देना है और सिक्स स्ट्रिंग ओपन कर देना लास्ट पे फिफ्थ टाइम पे। इस तरह से करके अब दूसरा पैटर्न अप्लाई करना, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग वन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन कर देना है, और फिर ये नोट अप्लाई करना है आपको विद बेस लाइन रूट करके। इसमें क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग का हमें टू और थ्री और फाइव पे हैमर ऑन करना है, लेकिन फोर्थ स्ट्रिंग ओपन रखना है डी स्ट्रिंग। सो इसमें साथ में पिक करना है आपको फोर और टू विद हैमर ऑन, थर्ड स्ट्रिंग का फाइव, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन रख के सेकंड स्ट्रिंग का फिर से थ्री और फाइव पे हैमर ऑन कर देना है ए के स्केल पे, थर्ड स्ट्रिंग का फाइव कर देना। सो इस आपको डी और ए रिपीट करना फिर से चार बार करके। अब आपको क्या करना है, उसके बाद डी स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड में प्रेस करके फोर्थ और टू साथ पिक और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन कर देना कुछ इस तरीके से। करके अब फिर नोट अप्लाई करना है सेकंड स्ट्रिंग का थ्री फाइव थ्री, अब फिर येलो नोट अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सी मेजर कॉर्ड पे करके फाइव थ्री टू साथ में जब पिक करेंगे तो हमें क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट और इस तरह से सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट और थर्ड फ्रेट पे हैमर ऑन, फिर बैक पुल अप और फिर सेकंड स्ट्रिंग के वन और ओपन पुल अप कर देना कुछ इस तरीके से, पुल अप कर देना सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट में। तो इसी के ऊपर पकड़ना आपको इस तरह से जी मेजर कॉर्ड, इसमें आपको करना है सिक्स थ्री टू साथ में पिक करते वक्त फिर सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट और थ्री पे हैमर ऑन और बैक पुल अप, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट में आपको ओपन पुल अप कर देना है। सो आपको रिपीट करना है सी और जी चार बार और एंडिंग करते वक्त सी मेजर कॉर्ड पकड़ के फाइव थ्री टू साथ में पिक सिक्स स्ट्रिंग का थ्री कर देना कुछ इस तरीके से। अब फिर एंडिंग करते वक्त सेकंड स्ट्रिंग का वन वन थ्री पे हैमर ऑन, फिर वन, फिर ए माइनर कॉर्ड पकड़ के आपको फाइव फोर थ्री साथ में पिक डाउन स्ट्रमिंग, फिर फाइव, और फिर येलो नोट अप्लाई करना है आपको क्रोमैटिक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिक्स स्ट्रिंग ओपन वन टू थ्री फोर और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन थोड़ा क्रोमैटिक करना है कुछ इस तरीके से। इस तरह से करके अब फिर येलो नोट अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करना है दो बार, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और हैमर ऑन करना है फर्स्ट फ्रेट पे, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन कर देना है, फिर डी माइनर कॉर्ड पकड़ के आपको फोर थ्री टू साथ में पिक डाउन स्ट्रमिंग, फोर, अब एक बेस लाइन ऐड करना फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन थ्री फोर और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और फिर डी माइनर कॉर्ड पकड़ के सिंगल स्ट्रम कुछ इस तरीके से।
फिर नोट अप्लाई करना सेकंड स्ट्रिंग का 3 से लेकर 5 तक स्लाइडिंग, फिर 3, फिर आप सी मेजर कॉर्ड पकड़ के 5, 3-7 में पिक डाउन स्ट्रमिंग, फिर 5, फिर 6 स्ट्रिंग का बेस लाइन ऐड करना है, 6 स्ट्रिंग का 3, 5th स्ट्रिंग ओपन 2-3 और सी मेजर कॉर्ड पकड़ के सिंगल स्ट्रम कर देना कुछ इस तरीके से। फ्री अलाउंट अप्लाई करने आ गई, इस पे आपको क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग का 1-1-3 हैमर ऑन, फिर 1, फिर ई मेजर कॉर्ड पकड़ के 6-4-3-2 साथ में पिक ब्लॉक, फिर साथ में पिक, अब इस तरह से आपको अप और डाउन कर देना है करके, फिर एंडिंग करते वक्त सेकंड स्ट्रिंग ओपन 2 बार, सेकंड स्ट्रिंग ओपन करके फर्स्ट पे हैमर ऑन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फिर ए माइनर कॉर्ड पकड़ के 5-4-3 साथ में पिक, इसके बाद डाउन अप। अब थोड़ा स्लाइडिंग कर देना इस तरह से आपको, मतलब इस फर्स्ट फ्रेट से आपको 7 तक स्लाइडिंग कर देना है और लास्ट पे ए माइनर कॉर्ड पे सिंगल स्ट्रिंग, तो रैंडमली इसमें स्लाइडिंग करना कुछ इस तरीके से, बहुत ही छोटा वर्जन पे। सो आपको स्टार्टिंग में स्लोली बजाऊंगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। आप स्लोली की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो याद कीजिएगा आप स्टार्टिंग में जो आप हार्ट बीट स्टाइल है वो किस तरह से अप्लाई करना, मैं आपको थोड़ा बजा के दिखा दूंगा। सो देखिए थोड़े से एडवांस पे करना है। सो मैंने आपको सिंपल नोट बोला, अब एडवांस किस तरह से कर सकते हैं, जो हमें करना है फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके हैमर ऑन करना है फर्स्ट फ्रेट पे, जब इसमें हमें साथ में पिक करेंगे तो इसमें आपको इस पोर्शन पे बीट भी साथ में देना है। सेकंड स्ट्रिंग का 3, अब जब हम ई के स्केल पे करेंगे 6 स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके फर्स्ट पे हैमर ऑन, बीट भी साथ पे देना है। सेकंड स्ट्रिंग का 3 करना, सो आपको ओनली बेस लाइन याद कीजिएगा 5-6-5-6-5-6 और आपको नोट यही अप्लाई करना है, इतना ही करना बस। तरह करके अब फिर आपको सेम जैसे अप्लाई करना है फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड नोट पे। सो इस तरह से आपको स्लोली करके अगर ये प्रैक्टिस कीजिए तो एक ही बार पे ये नहीं होगा, तो आपको स्लोली करके इस टेक्निक को यूज करना है, इस हार्ट बीट टेक्निक को, अदरवाइज आप सिंपल कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से बीट करके स्लोली करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सो बहुत ही अच्छा ये वर्जन, सो आप स्लोली करके प्रैक्टिस कीजिए। कीप रेसिंग, कीप प्लेइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।